मून। सालों से इंसानों के मन में चांद को लेकर न जाने कितने सवाल हैं। इसको हम रोज देखते तो हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारे मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसीज भी मौजूद हैं। जैसे एक एपिसोड में मैंने आप लोगों को हॉलो अर्थ के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्या वैसे ही चांद भी हॉलो यानी अंदर से खाली है? तो वैसा ही एक थ्योरी हमारे पास भी मौजूद है जो आप लोगों को दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगा। तो आप देख रहे हैं साइंस को और मैं हूं देवाशीष। चलिए जान लेते हैं। 1969, कैनेडी स्पेस सेंटर। अपोलो 11 मिशन के सक्सेस के ठीक 4 महीने बाद ही फिर से नासा ने अपने सेकेंड मैन मिशन अपोलो 12 को लॉन्च कर दिया। और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि चांद के सरफेस के नीचे आखिर क्या है। एक्चुअली जब भी हम चांद यानी मून को देखते हैं या उसके बारे में जितना भी जानकारी मौजूद है, वो मून को जानने के लिए बहुत ही लिमिटेड है। इसलिए अपोलो 12 के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के सरफेस के ऊपर साइस्मोमीटर को बिठाया, जिससे कि अर्थ में आया अर्थक्वेक का मेजरमेंट किया जाता है। तो उन साइस्मोमीटर को चांद में रखकर मून क्वेक को डिटेक्ट करने का कोशिश किया गया। एस्ट्रोनॉट्स देखना चाह रहे थे अगर चांद पे कोई क्वेक या भूकंप आया तो चांद या मून कैसे बिहेव करेगा, जिससे कि चांद के इनर स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सकता था, और जो कि सिर्फ वो साइस्मोमीटर से ही जानना पॉसिबल था। तो मून के अंदर के मिस्ट्री को समझने के लिए नासा ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया निकाला। नासा ने कहा कि अगर कोई चीज का मास हमें पता हो और उसको मून के सरफेस में क्रैश किया जाए तो वो वाइब्रेशन को साइस्मोमीटर से इजीली डिटेक्ट किया जा सकता था। तो इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स सेफली मून को छोड़कर जा रहे थे, तब उन लोगों ने स्पेसक्राफ्ट का एक लूनर मॉड्यूल, जो कि उन लोगों को और ज़रूरत नहीं था, उसको इंटेंशनली मून के ऊपर क्रैश करवा दिया। और स्पेसक्राफ्ट का वो मॉड्यूल चांद के सरफेस को बहुत ही जोर से हिट किया। उस कोलिशन के डेटा साइंटिस्ट नासा में बैठ के मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जो डेटा उन लोगों ने देखा वो हैरान कर देने वाला था। उस कोलिशन के बाद कोई नॉर्मल भूकंप नहीं हुआ था, बल्कि पूरा का पूरा चांद का सरफेस ही वाइब्रेट होने लगा, या आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मून एक बेल की तरह बजने लगा था। और ये प्रोसेस करीब 1 घंटे से भी ज्यादा चला था, और किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ कैसे। इसके बाद उस समय के हेड ऑफ नासा डॉक्टर वर्नर वॉन ब्राउन ने डिसाइड किया कि वो लोग अपोलो 13 से पहले से और भी ज्यादा हेवियर कोई रॉकेट के पोर्शन को इस बार मून के सरफेस में क्रैश करेंगे। और जब एस्ट्रोनॉट्स ने उस पोर्शन को चांद के सरफेस में क्रैश किया, तो इस बार चांद का सरफेस 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बज रहा था, और इसका डेप्थ करीब 20 माइल्स तक था। इसके बाद जो रिजल्ट्स निकला, साइंटिस्टों को अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। साइंटिस्टों के मुताबिक ऐसा तभी हो सकता है जब चांद अंदर से पूरा खाली हो, जहां पे साउंड वेव्स चांद के अंदर के खाली जगह से ट्रेवल कर रहा हो। इसके वजह से ही साइंटिस्ट मानते हैं कि चांद के अंदर का पोर्शन बिल्कुल खाली यानी हॉलो है। इसको लेकर रिसर्चर्स एक बहुत ही क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट की ओर इशारा करते हैं, जो कि 1972 में कंडक्ट किया गया था। 1972 का वो एक्सपेरिमेंट अपोलो 17 मिशन के दौरान हुआ था, नासा का एक क्लासिफाइड एक्सपेरिमेंट जिसे चैपल बेल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक इस चैपल बेल एक्सपेरिमेंट में
पूरा चांद का ऐसे बेल की तरह बजने का सल्यूशन मौजूद है। लेकिन 50 साल बाद आज भी नासा ने इसको लेकर कुछ भी नहीं बताया। और रिसर्चर्स की माने तो अगर इस चैपल बेल एक्सपेरिमेंट को डीक्लासिफाई किया गया तो ही हम मून मिस्ट्री को डीक्लासिफाई कर पाएंगे। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला बात यह है कि अपोलो 17 मिशन के बाद नासा की ओर से एक भी मून मिशन को अंजाम नहीं दिया गया। क्या अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पे कुछ ऐसा देखा या ऐसा जाना जिसलिए नासा ने उस मिशन के 50 साल बाद भी हमसे सब छुपा के रखा है? और क्या सच में क्या मून हॉलो है और उसके अंदर सच में कुछ मौजूद है? शायद ही हम ये कभी जान पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में साइंस स्कोप के साथ।